ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह वीडियो किसी भी मूवी निर्माता एवं कलाकारों की भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, कृपया इसे सीरियसली न लें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले। मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं कि इस आदमी के बुलाने से पहले ही ये आदमी पीछे कैसे मुड़कर देखने लगा, जबकि ये बुलाता है बाद में, तो ये पहले ही क्यों देख रहा है। अब इस सीन में देख सकते हैं कि इतना इसका पेट निकला हुआ है, तो ये इंडियन आर्मी में कैसे हो सकता है जबकि इतना वार्म अप करवाने के बाद भी इतना पेट निकला हुआ है। अब इस सीन में चिंटू अपने पिताजी के ऊपर कलर फेंकता है। कलर देख सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में है, लेकिन इनके चेहरे पर कलर देख के लग रहा है कि ये तो गीला कलर है। लेकिन आप अगले ही सीन में देख सकते हैं कि जब ये चेहरे से हाथ हटाते हैं तो इनके चेहरे पर इतना ज़्यादा कलर कहाँ से आ गया यार, जबकि कुछ ही कलर इनके चेहरे पर पड़ा था, तो अचानक इतना कलर कहाँ से आ गया। अब ये आदमी वापस घर लौट कर क्यों आ गया जबकि ये सीमा पे जा रहा था, तो अचानक घर कैसे आ गया। अब इस सीन में चिंटू को टैक्सी चलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये गाँव की सड़कों पर टैक्सी क्यों चला रहा है, यहाँ पर कौन सी सवारी मिलेगी इसको, जबकि इसे किसी सिटी के सड़क पे चलाना चाहिए। अगले सीन में देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी दिख रही है, लेकिन इसको धक्का देते ही अचानक पीछे का बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। और अगले सीन में देख सकते हैं कि लड़की के पीछे का भी बैकग्राउंड अचानक चेंज कैसे हो गया। अब इस सीन में देख सकते हैं पीछे पुलिस थाना लिखा हुआ है, तो ये पुलिस थाना कहाँ से आ गया और बिना स्टैंड के कैसे खड़ा है यार। अब आप अगले सीन में देख सकते हैं कि चिंटू अचानक मुख्यमंत्री के पास कैसे पहुंच गया, क्या इसको किसी ने रोका नहीं। और यहाँ पर बॉडीगार्ड को भी देख सकते हैं, ये पहले ही भागने लगा जबकि इसको मुख्यमंत्री को बचाना चाहिए, बचाने के बजाय तो भाग रहा है। अब इस सीन में देख सकते हैं कि स्टेज पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जबकि स्टेज के सामने काफी सारे लोग मौजूद थे, तो अचानक गायब कहाँ हो गए। अगले सीन में देख सकते हैं कि इस आदमी के आगे एक टीवी रखा हुआ है जो कि चल रहा है, लेकिन इस आदमी के टीवी उठाने के बाद टीवी अचानक बंद कहाँ से हो गया जबकि इसने टीवी बंद भी नहीं किया। अब आप अगले सीन में देख सकते हैं कि ये आदमी एक गड्ढा खोद रहा है जबकि इसके आमने सामने इतने सारे आदमी खड़े हैं, तो गड्ढा यही अकेले क्यों खोद रहा है। अब अगले सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जबकि एक तरफ इंडिया के लोग हैं एक तरफ पाकिस्तान के लोग, तो यहाँ पर इतने पास पास कैसे हो सकते हैं, और पीछे का आपको घर भी दिखाई देगा, तो ये घर कहाँ से बन गया यार। बॉर्डर के इतना पास तो कोई भी घर नहीं बना सकता। अब आप इस सीन में देख सकते हैं कि ये लड़की अजमेर जा रही है, लेकिन ये पटना के एयरपोर्ट पे क्यों लैंड की है, इसे पटना आने की क्या जरूरत है, ये डायरेक्ट तो अजमेर भी जा सकती थी, तो ये पटना क्यों आ गई। अब आप इसी सीन में देख सकते हैं कि ये लड़की पीछे बैठी हुई है और ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, लेकिन अगले सीन में देखेंगे जब गाड़ी रुकती है और ये लोग उतरते हैं तो ये लड़की भी आगे से ही उतरती है, तो ये आगे कहाँ से आ गई यार। प्यार में पागल बाड़े तू हार चिंटू पाड़े इस सीन में देख सकते हैं कि चिंटू बोलता है मुझे सीएम से मिलना है और कोई रोकता भी नहीं, और डायरेक्ट सीएम बाहर भी आ जाते हैं और ये मिल भी लेता है, तो बिना परमिशन के सीएम से कौन मिल सकता है यार। अब इस सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है जो कि पाकिस्तानी है, और इस पर एक नंबर प्लेट लगा हुआ है, और नंबर प्लेट पर जो कलर लगा हुआ है ये कलर तो इंडियन पुलिस की है, तो ये पाकिस्तानी पुलिस वाले गाड़ी पर कहाँ से आ गई। इस सीन में देख सकते हैं कि ये लड़की बुरखा पहनी हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन ये आदमी बुरखा क्यों पहना हुआ है जबकि ये तो लड़का है। बड़ा महंगा ये दिल का लगाना, हाय रे दिल तोड़ दिया, तड़पता छोड़ दिया। अब आप अगले सीन में देख सकते हैं कि इस लड़की ने तो बुरखा निकाल दिया, लेकिन इसने अभी भी बुरखा पहना ही हुआ है, क्या इसका निकालने का मन ही नहीं कर रहा है क्या। रानी मेरी मैं राजा, मेरे दिल का खुला दरवाजा, आप प्यार को हद से बढ़ा जा, मेरी सांसों में तू समा जा, मेरे तन का मेरे मन का मेरे तन का रंग गुलाबी, मैं छावी मैं छावी। अब आप इस सीन में देख सकते हैं कि चिंटू के सीने पर एक कटा हुआ निशान दिखाई दे रहा है जिसमें खून भी निकल रहा है, इसे देखकर लग रहा है कि इसे तलवार से कटा गया होगा, लेकिन इस पुलिस वाले के हाथ में देख सकते हैं कि केवल एक डंडा दिखाई दे रहा है, तो इस डंडे से तो कट नहीं सकता। अब इस सीन में ये लड़की बोलती है कि ये शादी का जोड़ा मेरी माँ ने दिया है, तो ये लोग तो पाकिस्तान में है, तो ये यहाँ पर शादी का जोड़ा कैसे लेकर आ गई। अब इस सीन में इतने लोग अचानक उड़ क्यों रहे हैं जबकि इनको किसी ने मारा भी नहीं, आप बीच में देखते हैं कोई भी नजर नहीं आ रहा है, और अगले सीन में देखेंगे तो चिंटू अचानक बीच में कहाँ से आ गया जबकि
उस टाइम तो कोई भी नहीं था। अब अपने पिछले सीन में देखा कि इतने लोगों को ये मारा था, लेकिन पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल चिंटू ही दिखाई दे रहा है। अब आप इस सीन में देख सकते हैं कि चिंटू और एक आदमी लड़ रहे हैं और इनके आगे पीछे काफी सारे लोग मौजूद है, एक महल भी मौजूद है। लेकिन अब अगले सीन में देखेंगे तो अचानक यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया और ये पहाड़ी इलाके में कैसे आ गए, जबकि एक महल के पास थे और काफी सारे लोग भी मौजूद थे। अब अगले सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी इलाके में नल कहाँ से आ गया, यहाँ पर नल कैसे आ सकता है। इसके पिछले सीन में आपने देखा कि चिंटू एक पहाड़ी इलाके में था, लेकिन अचानक ये महल के ऊपर कैसे आ गया, और ये महल भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगले ही सीन में देखेंगे तो पीछे खंडहर दिखाई दे रहा है, ये तो महल से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। अब इस सीन में देख सकते हैं कि ये एक बम है, जो कि फेंकने वाला बम नहीं है ये, लेकिन ये फेंकने से भी ब्लास्ट हो रहा है। आप इस सीन में देख सकते हैं कि चिंटू ने इस बम को फेंका और ये ब्लास्ट भी हो रहा है, जबकि ऐसा बम नहीं होता। आप अगले सीन में देख सकते हैं ये फिर से महल में आ जाता है, जबकि ये पहाड़ी इलाके में था। और जिस सीन में देखते हैं लोग सामने से बंदूक चला रहे हैं, जबकि इसके सामने कोई भी महल नहीं था, लेकिन बंदूक चलाने वाले भी एक महल में है और भागने वाला भी एक महल में है, तो ये कैसे हो सकता है यार। अब ये सीन देखकर लग रहा है कि यहाँ पर फ्लाइंग जेट आ चुका है, यहाँ पर सेम वही दिखाया गया है कि फ्लाइंग जेट की तरह ये उड़ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है यार। अब आप अगले सीन में देख सकते हैं कि इस आदमी के हाथ में बंदूक है और ये गन चलाता है, लेकिन यहाँ पर गन चलाने के बाद ही तुरंत एक शीशा फूटता है, तो ये शीशा कहाँ से फूट रहा है यार, जबकि सामने चिंटू खड़ा था। तो इस सीन में देख सकते हैं कि सामने चिंटू है। अब आप अगले सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से फ्लाइंग जेट बन चुका है, यार ये कैसे हो रहा है यार। अब आप अगले सीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर तलवार घुसाया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप तलवार निकालते टाइम का सीन देख सकते हैं, तो ये तलवार एक साइड से निकाल रहा है, तो बीच में है ही नहीं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भोजपुरिया अंदाज में सब्सक्राइब करना तो ठोक दे।